उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है, हिंदू का मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं उसका अर्जिन क्या है। उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है, हिंदू का मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं उसका अर्जिन क्या है। उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है, हिंदू का मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं।